मरियम तुरंत यहूदिया प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के एक नगर को चली गई। वहां उन्होंने जकरिया के घर पर जाकर एलिजाबेथ को नमस्कार किया। जैसे ही एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, उनके गर्भ में शिशु उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। वो उल्लसित शब्द में बोल उठी, तुम सभी नारियों में धन्य हो और धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल। मुझ पर यह कैसी कृपा दृष्टि हुई है जो मेरे प्रभु की माता मुझसे भेंट करने आई हैं। देखो तो, जैसे ही तुम्हारा नमस्कार मेरे कानों में पड़ा, हर्षोल्लास से मेरे गर्भ में शिशु उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने प्रभु द्वारा कही हुई बातों के पूरा होने का विश्वास किया है। इस पर मरियम के वचन ये थे, मेरा प्राण प्रभु की प्रशंसा करता है और मेरी अंतरात्मा परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी की दीनता की ओर दृष्टि की है। अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सामर्थी ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पवित्र है उनका नाम, उनकी दया उनके श्रद्धालुओं पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अपने भुजबल से उन्होंने प्रतापी काम किए हैं और अभिमानियों को बिखरा दिया है। परमेश्वर ने राजाओं को उनके सिंहासनों से नीचे उतार दिया तथा विनम्रों को उठाया है। उन्होंने भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया तथा संपन्नों को खाली लौटा दिया। उन्होंने अपने सेवक इज़राइल की सहायता अपनी उस करुणा के स्मरण में की जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमारे बाप दादों से करी थी और जो अब्राहम तथा उनके वंशजों पर सदा सर्वदा रहेगी। लगभग 3 माह एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गईं।